हेलो दोस्तों, मैं हूँ भावना तूर, स्मार्ट कुकी पर। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा शरीर कितनी तेजी से कैलोरीज का चयन कर सकता है। तो अगर आप उन लोगों में से है जो जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है। नंबर 1, वक्त पर खाना खाना नहीं भूलना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको खाने के लिए कह रही हूँ। अपने दिन की शुरुआत अच्छे हेल्थी ब्रेकफास्ट से करना जरूरी है। ब्रेकफास्ट आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है, खासकर रात भर की नींद के बाद। और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए हेल्थी खाना और कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए। खाना भूल जाना या क्रैश डाइटिंग आपके मेटाबॉलिज्म को धीमे कर देता है और आपको थकान महसूस होती है। नंबर 2, पानी पीते रहिए। अक्सर कई लोग प्यास को भूख समझने की गलती करते हैं, खास करके गर्मियों में लगातार पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। शरीर को कैलोरीज प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए और हल्की डिहाइड्रेशन भी आपके मेटाबॉलिज्म को कम कर सकती है, तो पानी पीते रहिए। नंबर 3, ज्यादा मसाले मिलाइए। मसालेदार खाना, खास करके जिसमें हरी या लाल मिर्च या मिर्च पाउडर हो, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज दौड़ा सकता है, तो अपने खाने में मसाला डालना मत भूलिएगा। नंबर 4, मसल बनाओ। वॉक या जॉगिंग से काम नहीं चलेगा, जिम जाकर एक्सरसाइज कीजिए, खासकर सुबह, तभी से रफ्तार बढ़ाने के लिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे आराम के वक्त भी शरीर में कैलोरीज बर्न होती रहती हैं? और ये मेटाबॉलिक रेट उनमें ज्यादा होता है जिनके मसल्स होते हैं, तो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से मुंह मत फेरिए। नंबर 5, प्रोटीन खाइए। खास करके वर्कआउट के बाद लीन प्रोटीन खाना जरूरी है मसल्स बनाने के लिए। शरीर को फैट बर्न करने से ज्यादा प्रोटीन बर्न करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो टोफू, नट्स, लेंटिल्स, लीन मीट्स, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। आपका मेटाबॉलिज्म आपका बेस्ट फ्रेंड है, इन सारे उपायों से उसकी थोड़ी मदद कीजिए। आज के स्मार्ट कुकी एपिसोड के लिए इतना काफी है, जल्द ही फिर मिलेंगे।